स्वास्थ्य विभाग जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में रूफ सोलर प्लांट लगाने जा रहा है, जिससे मरीजों को बिजली कटौती से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं अस्पतालों में भारी भरकम बिजली के बिल से भी विभाग निजात मिल पाएगी। आपको बता दें कि शहर और देहात क्षेत्रों के अस्पतालों में घंटों बिजली कटौती से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग अब सोलर प्लांट लगाएगा। वहीं सिविल अस्पताल में 100 और 150 KV दो सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। सीएमओ का कहना है कि नीति आयोग से फंड प्राप्त हुआ है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में डिलीवरी के लिए लोग अन्य जगहों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन जल्द सभी सुविधाएं अस्पतालों में दी जाएंगी। साथ ही सोलर प्लांट लगाने से बिजली बचत के साथ ही हम बिजली को बेच भी सकते हैं। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। हमें नीति आयोग से फंड्स प्राप्त हुए थे, पिछली बार हमारा आकांक्षी ब्लॉक भी है, प्लस हमें अवार्ड के फॉर्म में भी मिला था, यहाँ धनराशि मिली थी, तो उसमें हमने सभी समस्त CSCs पे और 10 हमारी PSC हैं उनमें हम अभी सोलर प्लांट्स ऊपर लगवा रहे हैं छतों पे, जिससे कि बिजली की समस्या वाला सारा समाधान हो जाएगा। 24/7 आपको बिजली अवेलेबल रहेगी, तो वहाँ उसी हिसाब से, और फिर हम कोशिश कर रहे हैं जैसे ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी उन्हें हम अच्छे डिलीवरी पॉइंट्स बनाएंगे, तो जिससे कि वहाँ पे जो गांव के लोगों को शहर में आना पड़ता है, जैसे SDH आना पड़ता है, उधर CRW महिला स्वास्थ्य जाना पड़ता है, कोशिश करेंगे कि ऐसे सभी जगह हम डिलीवरी पॉइंट्स को अच्छे से ऑपरेट कर पाएँ, जिससे कि 24 घंटे उन्हें डिलीवरी की सुविधा वहाँ पर